हूँ वही यहाँ पर बोलना, ट्रीटमेंट अलग अलग करना। जी आपने नाम से शुरू करें और ये बताएं जो आज आप शिष्टमंडल यहाँ लेकर आए हैं किस मुद्दे को लेकर शिष्टमंडल? जी मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं आदर्श कॉलोनी का निवासी हूँ। आज जो यहाँ पे शिष्टमंडल लाया गया है इसकी वजह ये है कि फ्लाइंग स्क्वाड जो कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने तैनात की गई है सिटी में, उसके द्वारा जो है कल रात को मेरे साथ गुंडागर्दी की गई। जैसे कि मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि मैं अब खाना खा के बाहर निकलता हूँ वॉक करने के लिए, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी आती है और एक रेडी वाले को गालियाँ ग्लोच करती है और उसको मारना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने उनसे इतना ही कहा सिर्फ कि सर प्लीज़ यहाँ पे गालियाँ मत निकालिए, जो क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो घर पे हैं, माँ बहनें घर पे हैं, तो प्लीज़ जो है गालियाँ नहीं निकालिए, अपनी जो भी आपकी कार्रवाई है वो आराम से कीजिए। जब मैंने इतना सा बोला उन्हें तो उसके बाद वो आते ही मुझ पर उन्होंने अटैक कर दिया, जैसे कोई मैं क्रिमिनल होता हूँ, मैंने कोई क्राइम किया होता है। मैंने उनको फिर आराम से बोला कि सर ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मुझ पर अटैक कर रहे हो। मेरे साथ धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी उन्होंने, जिसका नाम है AK शर्मा, कांस्टेबल AK शर्मा, SS जम्वाल और रणधीर सिंह जो कि उस फ्लाइंग स्क्वाड में जो पुलिस कर्मी थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक और बात, उन्होंने ड्रिंक भी की बार थे, उन्होंने पुलिस की गुंडागर्दी को देखा और जो बताया उन्होंने कि पुलिस ये घर के बाहर थे और पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी आती है और इस तरीके से उसमें से निकल के पुलिस के लोग जो हैं वो गंदी गंदी गालियां जो निकालते हैं और जिस वजह से उन्होंने उनको रोका, तो उसकी उन्होंने इनके ऊपर जो है वो अपनी गुंडागर्दी दिखाई, इनको धक्का मुक्की की और जिस तरीके से इनका ये व्यवहार है, हम यही पूछना चाहेंगे कि अगर पुलिस ये काम करना है गुंडागर्दी करेगी तो गुंडों को कौन जो है वो उधमपुर शहर में देखेगा? हम कई लोग वहाँ पे जो थे आई विटनेस थे और उन्होंने जो मेन सबसे बड़ा रीज़न है ऑन ड्यूटी उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। 24 घंटे के अंदर हम उनकी मेडिकल की जांच की मांग करेंगे SSP सर से कि वो मेडिकल उनका करवाए जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अंडर रूल जो है वो उनके खिलाफ जो बनता है वो होना चाहिए, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड जब यहाँ पे लाई गई थी हमें बड़ी काफ़ी खुशी हुई थी कि उधमपुर में जो रोज़ाना जो ये वाकयात होते हैं जो किसी भी तरीके से, तो वो नहीं होने चाहिए, चाहे वो मोलेस्टिंग का कोई केस हो, चाहे वो गर्ल्स की स्कूल वुमेन कॉलेज की तरफ हो, या किसी भी लोकल किसी व्यापारी दुकानदार को या किसी भी छोटे व्यापारी को तंग ना किया जाए, लेकिन ये लोग जो हैं वो रात को अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं ड्रिंक करके, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक डेपुटेशन देने यहाँ पर आए हैं और आगे से इस तरीके का कोई भी वाकयात अगर किसी के साथ भी होगा तो फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी, यही हम कहना चाहेंगे।